खबर हाथरस के सासनी से है। सासनी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनाई गई। जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा व सदर विधायक अंजुला सिंह माहौर व सदर विधायिका अंजुला सिंह माहौर रहीं। साथ में नव नियुक्त जिलाध्यक्ष शरद माहेश्वरी रहे और सैकड़ों कार्यकर्ता रहे मौजूद। शासनी में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती मनाई गई है, उसमें आप मुख्य अतिथि और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा जी रहे। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के कार्यक्रम में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। 25 सितंबर 1916 में पंडित जी का जन्म हुआ और हम लोग भाग्यशाली हैं कि नगला चंद्रभान में उनका जन्म हुआ और उनकी जन्मस्थली हमारे मथुरा के पास नगला चंद्रभान में है। आज के मौके पर उन्होंने जो अंत्योदय का सिद्धांत दिया है, उस पर हमारी सरकारें चल रही हैं, चाहे प्रदेश की हों चाहे केंद्र की हों। आज के दिन हम पंडित जी का स्मरण करते हैं और इस बात का आह्वान करते हैं कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर उनके दिखाए गए रास्तों पर चलेंगे। एक बार फिर आदरणीय पंडित जी की जन्म जयंती की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। मेरे साथ हैं जो प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी के जो दिनेश शर्मा जी हैं, वो भी दो शब्द बताएंगे जो आयोजित किए गए। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में रहे, महासचिव रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनकी आज जयंती है, ऐसे शुभ अवसर पर शासनी की इकाई को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये जयंती का कार्यक्रम किया और इसमें मुझे आने का सुअवसर प्राप्त हुआ। यहाँ के स्थानीय विधायक और नवनियुक्त जिला अध्यक्ष शरद माहेश्वरी जी भी उपस्थित रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय और एकात्म मानव दर्शन भारत को दिया है। ये हमारे सांस्कृतिक धरोहर हैं और एकात्म मानववाद और अंत्योदय, इस पर हमारी केंद्र की और प्रदेश की सरकार चल रही है। गरीबों के लिए जो योजनाएं हो सकती हैं, निशुल्क राशन देना, आयुष्मान कार्ड देना, विभिन्न प्रकार की चिकित्साएं सुविधाएं देना, गैस चूल्हा देना और यहाँ तक कि सर्वांगीण विकास करना, घर की जितनी भी सुविधाएं हो सकती हैं गरीबों के लिए उनको उपलब्ध कराना, ऐसा अंत्योदय के अंतर्गत दिया जा रहा है। मैं केंद्र की और प्रदेश की सरकार का धन्यवाद और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर और अंत्योदय योजना को लागू करने पर उनका धन्यवाद अदा करता हूं। बीजेपी के मैं मुस्लिम महिलाओं को जो बीजेपी के कार्यक्रम में आई हैं, वो तीन तलाक से खुश होकर के उनके हित में जो मोदी सरकार ने तीन तलाक बिल पास करवाया और उसके साथ साथ 33% आरक्षण जो महिलाओं को महिला विधेयक अधिनियम मातृशक्ति अधिनियम जो लागू हुआ है, ये बधाई के पात्र हैं। और केंद्र की नई संसद और नया विधेयक, ऐसा महिलाओं को एक पुरस्कार मिला है, इसलिए उन्होंने मुस्लिम महिलाओं ने हमारी विधायक का स्वागत किया। हाथरस का पसंदीदा चैनल TV30 इंडिया अब उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्कों एवं OTT प्लेटफॉर्मों के साथ साथ Google Play Store पर भी उपलब्ध है। अपनी क्षेत्रीय खबरों के लिए आज ही डाउनलोड करें TV30 इंडिया का Android ऐप एवं जुड़े रहें TV30 इंडिया के साथ।